मौलाना साहब, आज बहुत खुशी का दिन है तमाम उम्मत मुस्लिमा के लिए, और वो जो वजह तखलीक कायनात भी है और तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजे गए मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत का दिन है। कहिएगा कि इस दिन को मनाना कितना ज़रूरी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आज आपका इस प्रोग्राम जो कि पैगंबर आलम मोहसिन कायनात मोहसिन इंसानियत हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के हवाले से आपने रखा, अल्लाह तबारक व तआला दुआ है कि अल्लाह ताला इस प्रोग्राम को कबूल और इसकी बरकतें हमें नसीब फरमाए। मैं ये समझता हूँ कि हमारे नबी हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम जिनको अल्लाह ने वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन बनाकर भेजा, वो एक इंसान, एक शहर, एक कौम, एक बस्ती, एक मुल्क, एक जहान के लिए नहीं बल्कि कायनात में जितने भी इंसान बसते हैं, कायनात में जितनी कौमें बसती हैं, कायनात में जितने शहर और बस्तियां बसती हैं, कायनात में जितने मुल्क बसते हैं, कायनात में जितने जहान बसते हैं, हत्ता के कायनात के जर्रे जर्रे के लिए आपको रहमतुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनाकर भेजा। किसी ने खूब कहा कि किताब फितरत के सरवरक पर जो नाम अहमद रकम न होता, नक्श हस्ती उबर न सकता, वजूद लोह कलम न होता। तो ये तो कायनात बनाई उनके लिए, सजाई उनके लिए गई। मैं ये समझता हूँ कि आप देख लें कि जब हमारे नबी हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह तसल्लम दुनिया में नहीं आए थे तो दुनिया के रस्म रवाज क्या थे, मुआशरे में रहने सहने का तौर तरीका क्या था, ना वहाँ पर बाप की कदर थी, ना वहाँ पर माँ की कदर थी, ना वहाँ पर बच्चों की कदर थी, ना बीवी की कदर थी, बेटियों को जिंदा दरगोर कर दिया जाता था, रहने सहने का कोई तौर तरीका कोई जाब्ता नहीं था, मगर हमारे नबी